नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ फेस्टिवल डेकोर आइटम बनाने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैं घर में बेकार पड़ी हुई कुछ चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास कुछ वेस्ट सीडी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैं उनका यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट DIY है, उसके लिए मैंने ये वेस्ट सीडी का यूज़ किया है। सबसे पहले मैं इस सीडी के ऊपर जैसो अप्लाई कर रही हूँ। जैसो बनाने के लिए मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। जैसो कैसे बनाना है उसका एक सेपरेट वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैं स्पॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ। वैसे हम ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्पॉन्ज से जैसो अप्लाई करते हैं तो एक टेक्सचर क्रिएट होता है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। सीडी अभी अच्छी तरीके से सूख गई है, तो इसके ऊपर मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक राउंड ब्रश लेकर इसकी आउटलाइन बना ली है, जिससे कि कलर फिल करने में फिर हमें आसानी रहती है। सारे पेटल्स के अंदर मैंने ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया है और अंदर की साइड बेस कलर के लिए मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज कर रही हूँ। और इसके बॉर्डर में जो जगह बची है उसमें मैं पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बीच में भी मैंने पिंक कलर से एक लाइन दे दी है, जिससे कि एक एक पेटल अलग अलग दिखाई दे रहा है। ग्रीन में थोड़ा सा येलो मिक्स करके मैंने लाइट शेड बना लिया है और उससे मैंने इसके अंदर इस तरीके से लाइन क्रिएट की है। और इसके बीच में मैं लिख रही हूँ शुभ लाभ। पहले मैंने इसे पेंसिल से लिख दिया है और उसके ऊपर फिर मैंने ब्रश से इसके ऊपर पेंट किया है। और यहाँ पर मैं हाफ सर्कल में पेंट कर रही हूँ। इसके साइड में मैंने छोटे छोटे से कुछ ट्रायंगल की शेप पेंट कर ली है। अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन इसके ऊपर बना सकते हैं, बस कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान अगर हम रखते हैं तो कोई भी डिजाइन बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर से कुछ डॉट्स डाल लिए हैं। ये है 3D आउटलाइनर। तो ये सभी पेटल्स के ऊपर आउटलाइन देने के लिए यहाँ पर मैं 3D आउटलाइनर का यूज कर रही हूँ। इससे जो डिजाइन है एकदम उभर के आ जाता है। और यहाँ पर जो मैंने शुभ लाभ लिखा है, इसके ऊपर भी मैंने आउटलाइनर से लाइन दे दी है। और सीडी के बीच में जो होल है उसके ऊपर मैंने ये राउंड मिरर लगा दिया है। और यहाँ पर ईयरबड और टूथपिक का यूज करके मैंने कुछ डॉट्स डाल दिए हैं। और ये कुछ छोटे स्टोन्स हैं, तो इसके बॉर्डर में मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इसके चारों तरफ मैं ये छोटे वाले स्टोन लगा रही हूँ। इसके सेंटर में जो मैंने मिरर लगाया है उसके ऊपर मैंने दिए की शेप बना ली है। और 3D आउटलाइनर से इसके बीच में भी मैंने थोड़ा सा डिजाइन बना लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट DIY बनकर रेडी हो गया है। और ये मैंने कॉटन के डोरी से टैसल बना लिए हैं, तो इसके नीचे मैं इसे अटैच कर रही हूँ। और इसे हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर डबल साइड टेप का यूज कर रही हूँ। और दूसरी DIY के लिए मैं कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। यह मैंने पेपर में एक दिए की शेप ड्रॉ करके कट कर ली है और उसे कार्डबोर्ड पर रखकर उसकी शेप उसमें बना ली है और उसे भी कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 4 दिए की शेप कट करी है और 4 मैंने स्क्वायर कट किए हैं। और इसके साइड को मैं मास्किंग टेप से कवर कर रही हूँ। और इसी तरीके से दिए को भी मैं मास्किंग टेप से कवर करने वाली हूँ। और यह है जैसो, तो इसके ऊपर अब मैं जैसो अप्लाई कर रही हूँ।
जैसो बनाने के लिए मैंने वॉल पुट्टी और फेविकॉल का यूज़ किया है। इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी डो का यूज़ किया है। वॉल पुट्टी डो की जगह किसी भी एयर ड्राई क्ले का यूज़ कर सकते हैं। वॉल पुट्टी डो कैसे बनाना है उसका वीडियो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हाथों में पानी लगाकर इसके किनारों को अच्छी तरीके से चिपका लेंगे और इसी तरीके से मैंने जो दिए की शेप बनाई है उसके चारों तरफ भी मैंने बॉर्डर क्रिएट कर लिया है। हाथों में पानी लगाकर इसे स्मूथ कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। टूथपिक से मैंने इसके ऊपर टेक्सचर दे दिया है। इसके बॉर्डर पर भी मैंने टूथपिक से डिज़ाइन बना लिया है। और जो मैंने स्क्वायर बनाया है इसके बॉर्डर के ऊपर मैं पैलेट नाइफ से इस तरीके से टेक्सचर दे रही हूँ। पैलेट नाइफ की जगह हम किसी टूथपिक या फिर सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। यह अच्छी तरीके से सूख गया है तो इसके ऊपर मैंने कलर स्टार्ट कर दिया है। दिए के अंदर मैंने रेड कलर कर दिया है और इसके बॉर्डर पर मैं ब्राउन कलर कर रही हूँ और येल्लो कलर के ऊपर मैंने ऑरेंज कलर से थोड़ा शेड दे दिया है और गोल्ड कलर से मैंने इसके बॉर्डर को हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ पर बेस कलर के लिए मैं येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसके साइड्स को भी हमें अच्छी तरीके से कलर कर लेना है और इसके बॉर्डर को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैंने रेड कलर यूज़ किया है। इसे राउंड और स्क्वायर मिरर से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। और रेड कलर से इसके चारों तरफ मैंने डॉट्स डाल दिए हैं और इसी तरीके से जो मैंने दिए की शेप बनाई थी उसके अंदर भी मैंने मिरर लगाकर और डॉट्स डालकर इसे डेकोरेट कर दिया है। तो इसी तरीके से मैंने बाकी के पीस भी रेडी कर लिए हैं। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। इसको हम इस तरीके से रंगोली की तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो दिवाली में इसे हम रंगोली की तरह यूज़ कर सकते हैं या इस तरीके से इसमें डोरी लगाकर हम इसे वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकॉल से मैंने इसे स्टिक कर लिया है और ऊपर से मास्किंग टेप से फिक्स कर दिया है और इसके नीचे की साइड मैंने इस तरीके से बेल लगा दी है। तो ये हमारा खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, दोनों DIY में से आपको कौन सा DIY पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।